इस वक्त की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये वो तस्वीर आपके सामने है। गांधीनगर में जेपी नड्डा ने नॉमिनेशन किया है, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल नजर आ रहे हैं। तो जेपी नड्डा आज सुबह गुजरात पहुंचे और अब अपना नामांकन राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर गुजरात से जेपी नड्डा ने दाखिल कर दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनके नेतृत्व में पार्टी ने कई जीत हासिल की और गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत हासिल की, बड़ी जीत हासिल की। और अब उसी गुजरात से जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना नामांकन दाखिल करते हुए, तस्वीरें आपके सामने। क्या कह रही है तस्वीर प्रदीप जी? देखिए, पहली बात तो आपने ये जो कहा कि उनके नेतृत्व में गुजरात में इतनी बड़ी जीत, उनके नंबर कम हो जाएंगे, मुझे लगता है ये उनके लिए जो है पार्टिंग गिफ्ट है। अध्यक्ष तो वही थे, अब वो अलग बात है कौन अध्यक्ष था क्या था, सबको मालूम है किसकी वजह से जीते। तो क्योंकि आप देखिए देर से अनाउंसमेंट हुआ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा की सीट देने का अनाउंसमेंट लगभग आखिरी समय पर हुआ। सही बात। तो और कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा लड़ते तो हमीरपुर से ही लड़ना पड़ता जहाँ से अनुराग ठाकुर हैं, तो और दूसरा हारने का भी खतरा था, तो पार्टी का अध्यक्ष ही चुनाव हार जाए ये भी एक समस्या होती। तो कुल मिलाकर जो है उनको ये बताया गया है कि आपको जितना पार्टी दे सकती थी दे चुकी है, ये आखिरी जो है तोहफा है आपके लिए, इसको लीजिए और संतोष करिए। तो राज्यसभा में भेजकर जो है जी उनका एक तरह से रिटायरमेंट तय कर दिया है, सम्मानजनक रिटायरमेंट। आपको ऐसा लगता है राज्यसभा का ये नामांकन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और राज्यसभा के रास्ते ही संसद में पहुंचने की तैयारी सोनिया गांधी की तरफ से भी की गई है, और सोनिया गांधी ने अब रायबरेली जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है उसके लिए बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, रायबरेली से पूरा होता है परिवार। ये भावनात्मक सी चिट्ठी है जो सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम लिखा है ये पत्र। जो भी हूँ आपकी बदौलत, स्वास्थ्य की वजह से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरा मन आपके पास रहेगा। तो रायबरेली वो संसदीय सीट जहां से लगातार 2004 से सोनिया गांधी लोकसभा जीतती रही, 2019 आखिरी लोकसभा चुनाव भी इसी रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने जीता, और अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी राजनीति को अलविदा कहते हुए राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचने की सोनिया गांधी की कवायद, जिसके चलते राजस्थान जयपुर पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, और अब रायबरेली के लोगों के नाम सोनिया गांधी की ये चिट्ठी। ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने जल्दी से लेकर आते हैं, और सवाल ये है कि ना राहुल, ना सोनिया, ना प्रियंका, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी इनकार कर दिया, मतलब गांधी परिवार की यूपी से तौबा के तौर पर इसको देखा समझा जाएगा क्या? आपका क्या आकलन है चंद्रशूर साहब? देखिए रुमाला जी, मुझे लगता है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी को अपने यथार्थ से समझौता करना पड़ रहा है, और यथार्थ ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विगत वर्षों में, विगत चुनावों में लगातार कांग्रेस की हार होती रही या उनका जनमत नीचे जाता रहा, तो उसके लिए स्वाभाविक सा ये बात है कि कांग्रेस के लिए चाहिए था कि भाई ठीक है किसी प्रकार से एक सेफ एग्जिट हो जाए। राहुल गांधी की हार के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि शायद रायबरेली में भी सोनिया गांधी की भी वही हाल होती जो हाल राहुल गांधी का पिछले चुनाव में अमेठी में हुआ। समस्या उसकी नहीं है, समस्या आप ये देखिए जो उन्होंने कहा कि पूरा होता है परिवार। अब ये कौन से ये लोग हैं जो ये कौन सा परिवार की बात कर रहे हैं? क्या रायबरेली ही परिवार है या देश परिवार होना चाहिए? मुझे लगता है कि इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार की एक सोच वो किस तरीके से वो कह रही हैं ये तो वही बेहतर जानती हूं। ये तो एक भावनात्मक मुद्दा है ना जो उन्होंने रखा है। अभय जी को लेकर आते हैं यहाँ पर। अभय जी, मतलब लंबे वक्त तक उनका अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ाव रहा है, और अब जबकि वो चुनावी राजनीति को अलविदा कह रही है इस रूप में कि लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगी, और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को अगर वो परिवार के तौर पर कह रही है कि दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा है और रायबरेली में ही मेरा मन रहेगा आप लोगों के पास, तो ये तो एक इमोशनल कनेक्ट शायद दिखाने की कोशिश। फिर तो रोमाना जी परिवार से किसी को हो जाना चाहिए था, फिर उस पर भी आएंगे सर। अगर मन ही वहाँ है जी, तो और परिवार ही वही है,
तो फिर उससे विरक्ति क्यों? ठीक ठीक अभय जी। नहीं देखिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने एक जज्बाती लगाव दिखाया है, तो उसमें मैं कोई गलत बात नहीं मानता। ऐसा उन्हें करना ही चाहिए था, क्योंकि वो लगातार शायद चार बार वहां से सांसद रह चुकी हैं। जी, 2004 से लगा। हाँ, 20 वर्ष हो गए हैं वहां के सांसद बने हुए। अब उसको वो छोड़ नहीं है। उनका तर्क ये है कि उनकी उम्र हो गई है और उनकी तबीयत भी खराब रहती है, और ये दोनों बातें सही हैं। उनकी उम्र भी हो गई है, राजनीति में भी उस तरह से सक्रिय नहीं है जैसे एक जमाने में सक्रिय रहती थी, तो वो सब चीजें अपनी जगह ठीक है। दूसरी तरफ चंद्रचूड़ जी ने जो कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की दुर्गति है, वो भी बात अपने आप में सही है। कांग्रेस इस हालत में है कि वो किसी अपने उम्मीदवार को गारंटी नहीं दे सकती कि वहां से वो चुनाव जीत सकते हैं, चाहे वो गांधी परिवार का हो या गांधी परिवार के बाहर का कोई और बड़ा नेता हो। तो दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। ठीक है, मैं जरा सा ये चिट्ठी पढ़ देती हूँ। ये सोनिया गांधी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को, इस चिट्ठी में जो भावनात्मक एक कनेक्ट है, एक जुड़ाव है, जिसका जिक्र सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है आपके सामने, वो लिख रही हैं कि मेरा परिवार जो है वो दिल्ली में अधूरा। आगे वो लिखती हैं कि रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है ये मेरा परिवार, ये जो नेह नाता है ये पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें गहरी हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा, उसके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव मुश्किल भरी रहा, पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया। इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई, इसी रोशन रास्ते पर मैं भी चली। और फिर वो लिखती हैं कि पिछले दो चुनाव में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मैं ये कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मेरे इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है आप भी हर मुश्किल में मुझे मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। तो ये वो भावनात्मक सी चिट्ठी जो सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में भेजी है। आइए मुकेश जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सोनिया जी को गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रह पाती है, और उम्र की बात भी सही है। लेकिन वो देखें तो अगर संसद जा सकती हैं, संसद की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं और तमाम दूसरी गतिविधियों में भाग लेती हैं, तो चुनाव वैसे भी वो खुद नहीं लड़ती थी, उनका परिवार, उनकी पार्टी के लोग लड़ते थे। तो ये अगर चुनाव लड़ना था तो सोनिया गांधी को वहाँ से उत्तर प्रदेश को खाली करना, ये एक तरह से जो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि वास्तविकता को स्वीकार करना, मैं कहता हूँ वास्तविकता से भागना है। वास्तविकता के साथ आपको लड़ना था। अगर यथार्थ ये है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब हो रही है, तब तो कम से कम सोनिया गांधी को और उनके परिवार के लोगों को वहाँ जरूर डटे रहना चाहिए था। और अगर वो राज्यसभा चुनाव लड़ सकती हैं तो ऑब्वियसली उनको ये मान के चल रही होंगी कि वो संसद की कार्यवाही में जाएंगी, और जिस तरह का वो कनेक्ट की बात कर रही हैं तो वो चुनाव से अभी इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है क्या वो यथार्थ से भाग रही है, क्योंकि अभी चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हाल ये कि बातचीत का तीसरा राउंड तैयार होगा, सुलह का ग्राउंड। फिलहाल जो किसान है वो प्रदर्शन करते हुए किस रूप में पंजाब में नजर आ रहे हैं, उसी की जरा दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो रेल रोको आंदोलन पंजाब में किसानों की तरफ से जिसका आह्वान किया गया है, और जो टोल फ्री कराने की बात की गई है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए कैसे रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए किसान नजर आ रहे हैं। रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, ये दो तस्वीरें पंजाब की हैं, एक पंजाब के मोगा की है, दूसरी पंजाब के अमृतसर की। देखिए जरा किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हो रही है। इसी पर जरा चर्चा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। प्रदीप जी, एक तरफ तो आज चर्चा का दिन है, बैठक का दिन है, और दूसरी तरफ किसानों की तरफ से ये ताकत, ये अपना दम और जोर दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है आज की बैठक, ये तीसरा राउंड बैठक का, सुलह का कोई ग्राउंड बनेगा? नहीं, देखिए रोमाना जी, मेरा तो मानना इस पूरे आंदोलन को लेकर थोड़ा अलग है कि ये किसानों से ज़्यादा पॉलिटिकल आंदोलन है। राजनीतिक मंशा से चलाया गया, पहले भी था
जिसको बाद में योगेंद्र यादव ने जिसका खुलासा भी किया, तो कहा कि हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, वही बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। तो ये आंदोलन में चुनाव से ठीक पहले, अब आप देखिए इस बात को समझिए, पूरे देश में क्या सिर्फ पंजाब और थोड़ा बहुत हरियाणा में किसान है और कहीं किसान ही नहीं है? पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है, और पंजाब का मुख्यमंत्री उस बातचीत में शामिल नहीं होता। चंडीगढ़ में जब बातचीत होती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दौरे पर कहीं और चले जाते हैं। तो कितना सीरियस है पंजाब की सरकार इस आंदोलन का हल निकालने के लिए, और कितना सीरियस है ये संगठन, इस पर मुझे संदेह है। कोई हल निकालना नहीं है, इस विवाद को कम से कम लोकसभा चुनाव तक बनाए रखना है, ऐसी मंशा नजर आ रही है। ये बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हवा देने की जुगत, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो भी इस बैठक का हिस्सा बने, उनकी तरफ से अब तक सहमति क्यों नहीं, क्योंकि सूत्र इस तरीके की भी जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। मनोहर लाल खट्टर का पहला बयान जो किसान आंदोलन हो रहा है उस पर सामने आया है। आंदोलन के तीसरे दिन आज सीएम खट्टर कह रहे हैं, जैसा सेना आक्रमण करती है उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये कहना है मनोहर लाल खट्टर का। किसानों की मंशा पर मनोहर लाल खट्टर सवाल उठा रहे हैं, किसानों के तरीके पर उन्होंने आपत्ति जताई है, बातचीत लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। सुनिए, तीन दिनों के विषय में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे वो सब था। सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं, तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हर्ड ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए, आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है, दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं किसान जो है वो हरियाणा में इस तरीके से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई सेना आक्रमण करती है। और इस बीच किसानों का जो रेल रोको आंदोलन है वो लगातार जारी है। पंजाब के मानसा से आपको दिखाते हैं बीपी न्यूज संवाददाता नवदीप अहलूवालिया की एक रिपोर्ट। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मानसा के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में पीकेयू अग्रह के सदस्य धरना लगाकर बैठे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारीबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसानों पर तशद्दुद किया जाएगा तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष राम सिंह भैणीवा का, उनसे बात करते हैं। राम जी, आज 3 घंटों का रेल रोको ऐलान किया है, कैसे देखते हैं इसको? अभी जो साड़ी हमारी जत्थेबंदी भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन का इस्तीफा दिया है, जो किसान मांगों के लिए कुछ जत्थेबंदियां दिल्ली पर धरना देने के लिए जा रहे थे, उनको रास्ते में ही रोको पीटा जा रहा है और अश्रु गोले बरसाए जा रहे हैं, और ऐसी समझने के किसान जमात जो इतने भी लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार का और हरियाणा सरकार का एक तिखा हमला है, उसको रोकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, जो किसानों की मंगाए उनको समर्थन देने के लिए हमारी जत्थेबंदी आज 3 घंटे रेल रोक के अपना प्रदर्शन कर रही है। जरूरत पड़ी तो इसको तिखा भी किया जाएगा। तो ये किसानों को आप सुन रहे थे, किस तरीके से किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में रेल रोको आंदोलन किसानों का जारी, और ऐसे में सवाल अब आपके सामने है, किसान सरकार राउंड टेबल क्या निकलेगा इस आंदोलन का हल, कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है यहाँ पर प्रोफेसर चंद्रचूड़? रमाना जी, मैं इसको थोड़ा सा 2 सेकंड आपका ज्यादा लेकर यही कहना चाहता हूँ कि जहां तक किसानों की मांगों का सवाल है, वो मांग अपनी मांग रहे हैं और सरकार मेरे ख्याल से काफ़ी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मान रही है। मेरे ख्याल से 10 मुद्दों पर सहमति ऑलरेडी हो गई है। एक MSP वाला मुद्दा है, उस मुद्दे पर वार्ताएं जारी रहेंगी, और मेरे ख्याल से थोड़ा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुद्दा जो है वो
फिस्कल डिसिप्लिन के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि एमएसपी पे जो लीगैलिटी वो कह रहे हैं थोड़ा उसमें जटिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक जो विरोध होता है वो इस प्रकार का विरोध, और वो भी इस आधुनिक अमृतकाल में, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि किसानों को रेलों के रोकने से कोई लाभ नहीं है, टोल फ्री कर देना या आम जो नागरिक हैं उनको असुविधा कराने से उतना लाभ मेरे ख्याल से होगा नहीं। इसलिए किसानों को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी बहुत आवश्यक है, वो अपनी मांग करें। आपको लग रहा है कि अभी किसान जो है उतनी नरमी नहीं दिखा रहे हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नजर नहीं आ रही है। अभय जी, ये जो बात है ना कि किसान, ये किसान राजनीतिक आंदोलन है, ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये लोकसभा चुनाव में ध्यान में रख के इतने ज्यादा भारत रत्न दिए जा सकते हैं, लेकिन लोग लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के आंदोलन नहीं कर सकते। मतलब मास्टर स्ट्रोक केवल नरेंद्र मोदी मारेंगे, किसान नेता भी मास्टर स्ट्रोक मार सकते हैं भाई। वो भी एक ऐसे वक्त को चुन सकते हैं जब वो सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव डाल सके। मेरा कहना ये है, तो दबाव देखिए, आंदोलन दबाव डालने के लिए ही होता है। जो धरना दिया था एक साल तक, वो भी दबाव डालने के मकसद से ही दिया था। तो आंदोलन का मकसद, हर आंदोलन राजनीतिक है। इस देश में हर चीज राजनीति के जरिए संसाधित होती है। मंदिर तक राजनीति के जरिए बन रहे हैं, राजनेता मंदिरों के उद्घाटन कर रहे हैं जैसे कि वो अपना अधिवेशन का उद्घाटन कर रहे हो। ये तो हालत है। और चुनावी साल से मुफीद और कौन सा समय होगा आंदोलन आगे बढ़ाकर अपनी मांगे मनवाने का? प्रदीप जी, ऐसा है कि अतीत से या इतिहास से आपको सीखना भी चाहिए। ठीक है। पिछला आंदोलन अभी 2 साल पहले ही हुआ था और उसके बाद क्या किया, आंदोलन में शामिल ज्यादातर जो है जो किसान यूनियन थी उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, चुनाव लड़े। चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले किया था। उसका नतीजा क्या हुआ, वो जो पार्टी बनी थी किसानों की उसका सफाया हो गया, ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। तो किसान के रूप में आप लोगों के सामने जाएंगे, लोग सुनने को तैयार हैं। आप राजनेता के रूप में राजनीतिक बेस में जाएंगे, लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये पंजाब के लोगों ने ही बता दिया, जहां सबसे उग्र था आंदोलन, सबसे ज्यादा जहां पर असर था। तो इसलिए जो है आप चुनाव के समय आंदोलन कीजिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक जो है अगर आप लगाना चाहते हैं, देखिए पिछले मास्टर स्ट्रोक का हश्र क्या हुआ। ठीक है सर, ठीक। तो उसमें आपको रणनीति में कोई बदलाव, मोर्चा जो है ये गैर राजनीतिक वाला है, जिसने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था, जो इस बार ये आंदोलन का नेतृत्व अभी करता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश जी, उसके बाद आएंगे प्रोफेसर। मैं संक्षेप में बिल्कुल कट टू कट 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्या ये राजनीतिक फायदा दे सकता है या नहीं दे सकता है। प्रदीप जी कह रहे हैं राजनीतिक फायदा नहीं दे सकता, तो फिर इसको राजनीतिक आंदोलन नहीं मान सकते हैं। यानी कि राजनीतिक फायदा से, अगर वो राजनीतिक फायदा नहीं दे रहा है भाई, ये तो हमारा आकलन है, नहीं। अच्छा, मैं 2 पॉइंट और दे देता हूँ भाई। दूसरा, वो मानते हैं दे सकता है। अभी आपने कहा कि उसका राजनीतिक रूप से जब फायदा उठाने की कोशिश हुई तो सुनने में चले गए, उनको कोई फायदा नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ आंदोलनकारियों की ही जवाबदेही नहीं होती है कि वो लोगों की असुविधा का ध्यान रखे। सबसे पहली जवाबदेही सरकार की होती है, और मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि लोगों को जितनी असुविधा किसानों से बचाने के नाम पे दी जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी, एक छोटे संक्षेप में कहना चाहता हूं कि किसानों को बदनाम करने की जो एक कोशिश लगातार होती है, मैं मानता हूं कि जहां पे 1 लाख लोग होंगे वहां पे कोई भी उपद्रवी उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन सोच समझ के लगातार कैंपेन चला के सरकार का जो इतना बड़ा ढांचा है, जो कि एक बहुत तरह के चैनल चलते हैं, जो चैनल्स कहने का मतलब जो तरीके चलते हैं, उनसे उनको बदनाम करने की जब कोशिश होती है ना, ये तो आपका नजरिया हो सकता है ना कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरकार मेरा अपना नजरिया ही है। सतर्क भी करने की भी कोशिश हो सकती है कि आप उपद्रवियों से दूर रहिए, अपने आंदोलन को बचा कर रखिए, नसीहत भी हो सकती है। ये जान समझिए कि अगर 1 लाख लोगों में 1 उपद्रवी घुसता है ना, तो समस्या समाज को उस 1 उपद्रवी से है। और ये सरकार का नैतिक, मौलिक और राजनीतिक दायित्व है कि उसको फिल्टर इन करे। और इसलिए अगर सरकार प्रिकॉशन लेती है तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई हमें उसको किसी मंशा से देखनी चाहिए। दूसरा बात जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ वो ये है कि इसको सरकार वर्सेस किसान ना देखें। किसान हमारे नागरिक हैं, उनको अपनी मांग उठाने का हक है। सरकार उस पर अपना प्रत्युत्तर देती है, पहले भी दिया है। जिस एमएसपी को लेकर आज इतना बड़ा बवाल है, आप कह रहे हैं कि सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी एक मिनट सुन लीजिए, संक्षेप में मैं बता दूं, जिस एमएसपी को लेकर आज इतना बड़ा बवाल है, क्या 2007 में
जब वो फ्रेमवर्क बना था, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना था, तो उसमें उस एमएसपी को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? सरकारें भी आपकी थी। आज राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि अगला सरकार हमारा आएगा तो हम इसको लीगल स्टेटस दे देंगे। 2007 में किसकी सरकार थी? क्या वो बात आप कह रहे हैं, दरअसल बिल्कुल वही बात सरवन सिंह पनहेर जो किसान नेता है उनकी तरफ से कही गई। उनकी तरफ से कहा गया कि हम पर राजनीति का कोई लेबल मत लगाइए। उनकी तरफ से कहा गया कि ये मामला 2006 से ठंडे बस्ते में डाले रखा गया। हमें जितनी शिकायत आज की बीजेपी सरकार से है, हमें उतनी शिकायत पिछली कांग्रेस सरकार से। ये तमाम बातें कही, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इस लड़ाई को किसान वर्सेस सरकार मत बनाओ। ऐसे में अभय जी, अभी अभी मनोहर लाल खट्टर साहब का हम बयान दिखा रहे थे। एक तरफ किसान जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो दिखाते हैं ये गोले, देखिए आप, वो क्या क्या दिखा रहे थे। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब आए थे, एसएलआर का कोल दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे स्मोक सेल एयर बर्स, स्मोक सेल ग्राउंड बर्स। वो कह रहे थे साहब हम पर सिर्फ और सिर्फ ये आंसू गैस के गोले नहीं दागे जा रहे, ये सब हम पर दागा जा रहा है। ये किसान नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह कहा। और अभी मनोहर लाल खट्टर साहब को हमने सुना है जो कह रहे हैं कि किसान हरियाणा में किस अंदाज में आ रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कोई सेना आक्रमण कर रही है। तो ये किसान वर्सेस सरकार अगर नहीं बन रहा तो क्या हो रहा है सर? किसान वर्सेस सरकार तो बनना ही है, ये एक जन आंदोलन है, इसमें बड़ी संख्या में किसान भागीदारी कर रहे हैं, वो आक्रामक भी हैं। वो एक जगह बैठकर औपचारिक रूप से एक दिन की गिरफ्तारी देकर चले जाने वाला आंदोलन नहीं है, ऐसे आमतौर पर आंदोलन होते हैं। तो इसमें सरकार उसको रोकेगी, किसान आंदोलन करेंगे सरकार रोकेगी, उसमें दोनों के बीच में संघर्ष होगा, उसमें जान माल का भी नुकसान होगा, हर चीज का नुकसान होगा। मैं इससे सहमत हूं और ये ऐसा होता ही है। जहां तक खट्टर साहब की बात है, खट्टर साहब भूल गए जब कार सेवक बिल्कुल फौजों की तरह, टिड्डी दल की तरह उत्तर प्रदेश पर इधर उधर आक्रमण किया करते थे, तब कहा जा रहा था ये हिंदू हिंदुत्व के नाम पर राष्ट्र निर्माण हो रहा है, तब भूल गए कि वो किस तरीके से करते थे। तो हम चढ़ बैठेंगे, सब पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ खड़ी हुई थी, तो सरकार को हर तरह की गालियां दी जा रही थी। तो ये नमूना भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है, राम जन्मभूमि आंदोलन का नमूना है ये, जो किसान आंदोलन, मैं नहीं कर रहा हूं किसान आंदोलन उससे प्रभावित है, लेकिन ऐसा इस देश में पहले भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद आंदोलन करने तो अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर ली, दूसरा कोई आंदोलन करता है तो कहते हैं कि ये राष्ट्र निर्माण के खिलाफ हो रहा है, आंदोलन होना ही चाहिए संविधान द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आप यहाँ पर रख रहे हैं। इस बीच एक तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको, और ये तस्वीर जो है वो बिहार विधानसभा के बाहर की एक दिलचस्प वीडियो है जो सामने आया है। आप जानते हैं पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन आज पहली बार पाला बदलने के बाद नीतीश और लालू का ये आमना सामना। लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। आरजेडी की ओर से राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन के लिए लालू यादव विधानसभा पहुंचे थे, और उसी वक्त नीतीश कुमार अपने आवास जाने के लिए बाहर निकल रहे थे, और तभी दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, हालचाल जाना, और फिर नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठकर अपने आवास के लिए निकल गए, और लालू प्रसाद यादव जो है वो सीढ़ियां चढ़ते हुए भीतर चले गए। लालू नीतीश का आमना सामना पहली बार नीतीश के पलटी मारने के बाद, एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाने के बाद की तस्वीर आप देख रहे थे। पंजाब आपको सीधे लेकर चलेंगे, तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन, और ऐसे में रेल ट्रैक पर बैठे हुए किसान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, देखिए कैसे रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं किसान, यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन, जरा तस्वीरें दिखाइए और बात कीजिए शाम 4 बजे तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा यहां रेलवे ट्रैक्स पर किसानों का। सचिन जी, पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, राजपुरा रेलवे ट्रैक की किसान यहां बैठे हैं। बीकेयू उग्रह जो पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है, उनकी तरफ से ये कॉल है। आज 7 जगह पंजाब में रेल जो है वो रोकी जा रही हैं, यहाँ राजपुरा में है, बठिंडा में है, अमृतसर में है, सुनाम में है, कुल 7 जगह ट्रेन जो है रोकी जा रही हैं। जो पटरियां हैं, पटरियों पे किसान जो हैं बैठे हैं, ये तस्वीर, और ये तस्वीर जो है आपको आप देखेंगे, ये बीके उग्रहा का पीला झंडा जो है, जब 2020-21 का किसान आंदोलन हुआ तो यही पीला झंडा जो है, और ये पीली पगड़ियां पहन के किसान, ये ट्रेडमार्क है बीकेयू उग्रह का, जो सबसे बड़ा संगठन जिसको मानते हैं मेंबरशिप के हिसाब से पंजाब में, ये ट्रेडमार्क है। और ये है उन किसानों के समर्थन में जो शंभू बॉर्डर पे जो है डटे हैं, जो किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। हालांकि आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम नहीं है, आज मीटिंग है शाम 5 बजे जो है केंद्रीय मंत्रियों के साथ, पर ये एक तरह से संदेश है कि पंजाब के किसान संगठन जो है वो दोबारा जो है एक मंच पे भी आ सकते हैं, अगर ये आंदोलन जो है आगे
बढ़ता है, जिस तरीके से जो जो मांगे किसानों की हैं, चाहे वो एमएसपी है, चाहे वो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू कराना है, चाहे वो डेट वेवर है, एग्रीकल्चर डेट वेवर है, तो किसान जो है ये संदेश जो है यहाँ से दे रहे हैं। दो यूनियंस हैं बेसिकली इसमें, बीकेयू उग्राहा और बीकेयू डकौंदा जो है, धनेर फैक्शन जो है, उनकी तरफ से ये कॉल जो है आज की जो है दी गई है। किसान नेता है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, क्यों दे रहे हैं आज ये रेलवे ट्रैक्स जो है, क्यों जाम किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं ये रेलवे ट्रैक? हमने जो हमारे साथी दिल्ली की तरफ जाना था, जिन्होंने दिल्ली कूच करना था, उनको शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जो खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने उनके ऊपर तशद्दद ढहा है, उनको फट्टड़ किया है, उनकी सपोर्ट में आज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा और बीकेयू डकौंदा धनेर ग्रुप ने 7 जगह पे जो है रेलें रोकी हैं। और कुछ एसकेएम के साथियों ने आज हमारे पंजाब में जो टोल प्लाजा हैं वो फ्री किए हुए हैं। कितने बजे तक रहेगा ये रेल रोको? जो ये रेल रोको का जो प्रोग्राम है 12 से 3 बजे तक पूरे पंजाब में आज रेलों का चक्का जाम है। तो आप जो हैं किसान जो हैं शंभू बॉर्डर पे डटे हैं, क्या ये तरीका अब ये है कि ऐसा लग रहा है कि सारे किसान संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? देखिए, हम जो किसान संगठन है सारे वो आ सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो सबकी मांगे एक ही हैं। कई बार हमारे संगठनों में जो है विचारक मतभेद जरूर हो सकते हैं, मगर जो सरकार के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है वो एक ही है, हमारी मांगे हैं जो वो एक ही मांगे हैं। बिल्कुल, तो किसानों के उग्राहा संगठन से जुड़े ये किसान नेता को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर अलग अलग किसान संगठन एक बार फिर से सब एक साथ आ जाएं, अगर सरकार की तरफ से किसानों की मांगे नहीं मानी जाती और उन पर इसी तरीके की सख्ती की जाती